ये 1 कप पहले मैंने डाल दिया था आटा, अब ये 2 कप आटा हो गया। एक अंडा और हसबे जायका नमक, अगर आपको थोड़ी सी चीनी डालनी हो तो डाल दें, वरना हमें पसंद नहीं है चीनी। आप इसे गूंद, ये 6 पराठों का आटा है, अगर आप चाहे तो उसका डबल कर दें। थोड़ा सा तेल ले लें, बस इस तरह घूम कर आधा घंटा रहने दें, छोड़ दें आधा घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, ये देखें अब इसके आप पराठे बना लें। रोटी की तरह बेल लिया, अब इसमें थोड़ा सा घी लगाना, अब ये आटा छिड़क कर और इस तरह बनाना है। और ये मोड़ दे इस तरह करने के बाद, और ये ऐसे कर। अगर आपको सुबह में बनाने हैं तो ये आप रात में भी बना के रख सकते हैं। ये हमने 6 बना लिए इस तरह, अब इसके ना पराठे बनाएंगे। अब पराठा बेल लें आप, अब ये इस तरह बेल लें। ये हो गया पराठा एक, अब इसको आप फ्राई कर लें। अब घी से तलें या तेल से, मैं तो तेल से बनाती हूँ, मैं घी इस्तेमाल नहीं करती पराठे में, तेल लगाती हूँ। अब ये पराठा हम बनाने रख लें, थोड़ा सा तेल डाल दें, इसी तरह फ्राई करना है। एक साइड से पूरा बनाना है और दूसरे साइड से ना कम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह बनाना है, देखें बना रहे। अभी गोल्डन हो जाएगा, एक साइड से नहीं करना और एक साइड से करना है। ये देखें हो रहा है। अब आपको जितना तेल पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, मैंने कम डाला हुआ। एक साइड से मैं इतना बनाना है और ये साइड है ना पूरी पका लूंगी। देख अब ये देखें, हमने 6 पराठे बना के रख लिए, एक साइड से इसी तरह होना चाहिए और दूसरी साइड से थोड़ा सा कच्चा रहना चाहिए। और ये देखिए, ये इसी तरह एक साइड से सही तरह पके हुए, एक साइड से कच्चा। और अभी जो मैं बनाऊंगी ना वो आपको मैं बताऊंगी कि ये कच्चा किस लिए रखा हुआ है। ये पराठे का सामान है, मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़, दोनों चीज़ें ले ली
और धनिया एक टमाटर ले लें, एक बड़ी सी मिर्च और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लें, चार अंडे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक अब हसबे जायका। ये प्याज डाल दें इसमें, सारी चीज़ें इसमें डालकर और आप पीस लें, इन सबको बारीक बारीक पीस लें या आप काट लें जो आपको ठीक लगे। इसी तरह चारों अंडे एक साथ तोड़ दें। ये फेंट लें सारे, इसी तरह तो इसमें ये सारे मसाले जाएंगे, ये जो हमने बनाए थे ना ये सारा मसाला इसी में चला जाएगा। ये जा, अब ये मिर्च सही है, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अभी हमारे चीज़ी पराठे का सामान तैयार है, अच्छी तरह फेंट लें। दो चम्मच तेल डाल दिया मैंने, अभी जो अंडे का मिक्सचर था ना वो इसमें डालेंगे। अभी हमने अंडा डाल दिया, अब इस पे हम पराठा रखेंगे। जो पकी हुई साइड थी ना ज़्यादा गोल्डन वो उस पे रखेंगे और कच्ची ऊपर रखेंगे। अब इसे मीडियम लो पे थोड़ी देर रहने दें, 4 से 5 मिनट। अभी 4 मिनट हो गए, अब इसको आप पलटते हैं इस तरह। अब ये हो गया, अब इस पर हम चीज़ डालेंगे। ये चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ है ये, आपको जितनी पसंद हो उतनी डालें। ये क्वार्टर चीज़ है, ये डाल दी। अब ये सही है, मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़ दोनों चीज़ें डालकर और ये जो लाल किया हुआ था पराठा ये दूसरा पराठा है। पहला पराठा हमने अंडे के साथ बना लिया और ये दूसरा पराठा, अब ये इस तरह रखेंगे, अब इसी तरह इसे होने देंगे। अब जब गोल्डन हो जाएगा नीचे जो पराठा है वो गोल्डन हो जाएगा, फिर ये दूसरी साइड हम इसको पलट देंगे 4 मिनट के बाद, 4 से 5 मिनट ले लें। 4 मिनट बाद ये पराठा इसी तरह है, अब इसे आप पलट दें। अब दूसरी साइड से भी 4 मिनट बना लें, इसी तरह गोल्डन हो जाए ना फिर आपको उतार लें। अब ये तैयार हो गया, देख लें आप गोल्डन हो गए, अब हम इसे उतार दें। अभी हमारा चीज़ी पराठा तैयार है, इसे आप बीच से इस तरह काट लें। ये माशाल्लाह अब हमारे चीज़ी पराठा तैयार है।
देखें आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई की और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप मायोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ की जगह मायोनीज लगा के फिर इसी तरह बना लें।